हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, इस रेमेडीज़ के ज़रिए फ्रेंड्स आप अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि आज के दौर में पोल्यूशन इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि फ्रेंड्स वो हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे बालों को भी बेजान कर देता है। फ्रेंड्स, ये धूल पोल्यूशन हमारे बालों पर जाके इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे बालों की जड़ों में जाकर बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं या फिर हमारे बाल बढ़ नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेमेडीज बताऊंगी, इस रेमेडीज के जरिए फ्रेंड्स आपको शैम्पू में कुछ ऐसा मिलाना होगा जिससे कि आपकी बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लग जाएगी और एक ही बार में आप देखेंगे कि आपके बाल कैसे सिल्की शाइन स्मूथ हो गए हैं और आपके बाल की लेंथ भी कैसे बढ़ रही है। आपके बालों में उलझने होती थी वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडीज को बनाने के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा शैम्पू का। मैं अपने बालों में फ्रेंड्स डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ और मेरे बाल लंबे हैं, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डव के 2 पाउच लिए हैं। आप फ्रेंड्स जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, आप फ्रेंड्स वो शैम्पू जो है ले सकते हैं। आपको इन दोनों शैम्पू को काट कर इनके अंदर का शैम्पू जो है इस बाउल में निकाल लेना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इन दोनों शैम्पू को काटकर इनका जो है शैम्पू इसमें निकाल लीजिएगा। अगर आप फ्रेंड्स बड़ी शीशी यूज़ करते हैं तो आप 2 चम्मच के लगभग इसमें शैम्पू जो ऐड कर सकते हैं। शैम्पू को लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें सेकंड चीज़ ऐड करनी होगी, वो है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स हमारे बालों को तेज़ी से लंबा घना करने में काफ़ी हेल्प करता है और जो हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं उन्हें भी मजबूती देता है, हमारे बालों को सिल्की शाइन बनाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर आपके पास एलोवेरा जेल का प्लांट है तो फ्रेंड्स वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप इस यहाँ पे फ्रेंड्स प्योर एलोवेरा जेल जो है यूज कर सकते हैं या फिर किसी अच्छी ब्रांड का एलोवेरा जेल जो है यूज कर सकते हैं। आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल जो ऐड करना होगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करने होंगे फ्रेंड्स विटामिन ई के कैप्सूल। फ्रेंड्स मेरे बाल लंबे होने के कारण मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल जो है यूज़ करूँगी अपने बालों में। अगर आपके बाल छोटे हैं तो फ्रेंड्स आप 1 कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप कैप्सूल के एक कोने को काट कर इसमें से कैप्सूल का जो रस है वो निकाल लीजिएगा। कैप्सूल ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से 2 मिनट तक चलाते रहिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसको अपने बालों की जड़ों में कैसे लगाना है, इसके लिए फ्रेंड्स पहले आपको अपने बालों को हल्का भिगो लेना होगा और जैसे आप अपने बालों को वॉश करते हैं उस तरह से ही वॉश करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको अपने बालों की जड़ों को अच्छे से मसाज देनी होगी। आपको फ्रेंड्स अपने बालों को अच्छे से मसाज लगभग 5 से 7 मिनट देनी होगी और धीरे धीरे करके आप अपने बालों को जिस तरह से वॉश करते हैं उस तरह से वॉश कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस रेमेडीज़ को आप वीक में 3 बार यूज़ कीजिएगा और एक ही वीक में आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी और जो आपके बाल झड़ रहे थे वो भी झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस रेमेडीज़ को वीक में 3 बार ज़रूर यूज कीजिएगा और एक ही वीक में आप इसके 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेमेडीज। आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स इस वीडियो की रिगार्डिंग कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।